हमने मोमो डिज़ाइन में एक नए तरीके से टोपी बनाई है। किस तरीके से बनाई इसकी वीडियो शुरू करेंगे। फंदे हमारे पूरे हो गए हैं, 95 फंदे डाल दिए हैं, 95। अब एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इसी तरीके से पूरी लाइन बिन लेंगे, एक सीधा एक उल्टा करके। लाइन हमारी पूरी हो गई है। अब जो सीधा बिना था इसके ऊपर हम उल्टा बिनेंगे, और जो उल्टा बिना था इसके ऊपर हम सीधा बिन लेंगे। अब बिनेंगे इसी तरीके से, एक सीधा एक उल्टा करके, उल्टे के ऊपर सीधा और सीधे के ऊपर उल्टा, इसी तरीके से पूरा बॉर्डर हम बिन लेंगे। बॉर्डर हमारा पूरा हो गया है। सीधी लाइन में तीन उल्टा उल्टा बिन लेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे उल्टे बिन लिए हैं। धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधे बिन लेंगे, फिर धागे को आगे, एक फंदा फिर सीधे, यानी कि एक फंदा यहाँ पर बढ़ रहा है, जाली आ रही है। धागे को आगे करेंगे, फिर तीन फंदे उल्टे उल्टे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे उल्टे बिन लिए हैं। धागे को पीछे करेंगे, एक सीधा, धागे को आगे, फिर एक जाली निकलेगी, एक फंदा बढ़ जाएगा, फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर धागे पीछे, एक सीधा, फिर धागा आगे, फिर एक जाली, फिर धागा आगे, फिर तीन उल्टे उल्टे, एक दो तीन, फिर एक सीधा, फिर धागा आगे, फिर एक जाली, एक फंदा यहाँ पर बढ़ रहा है, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, एक सीधा, फिर एक जाली, पांच फंदों की बुनाई आ रही, एक दो तीन, एक सीधा, एक जाली, एक दो तीन, तीन उल्टे बिनने हैं, एक सीधा बिनना है, एक फिर सीधा, इसके साथ एक जाली भी आ रही है, एक फंदा बढ़ भी रहा है, यानी कि पांच फंदे, छठा एक हम एक जाली बना रहे हैं बीच में, एक दो तीन, तीन उल्टा बिनेंगे, एक सीधा, फिर धागा आगे, एक जाली के साथ एक सीधा, लाइन पूरी हो गई। उल्टी लाइन पूरी उल्टी बिन लेनी है, उल्टी लाइन को जो जाली आ रही है जाली भी बिननी है। इसमें या 75 फंदे होने चाहिए, या 85, या 95, या 105, इस तरीके से फंदे होने चाहिए, क्योंकि पांच फंदों का एक डिजाइन बन रहा है, तब ये डिजाइन पूरे बनेंगे। उल्टी लाइन पूरी उल्टी उल्टी हम
बीन लेंगे। उल्टी लाइन पूरी हो गई है। अब सीधी लाइन में तीन जो उल्टे हैं वो तीन उल्टे ही रहेंगे। तीन उल्टे बीन दिए हैं, धागे पीछे करके एक जो सीधा है ये भी सीधा ही रहेगा। जाली के ऊपर जाली, एक फंदा जो यहाँ पर पिछली लाइन में बड़ा था वो ये सीधा आएगा, इसको सीधा कर लेंगे। अब ये सीधे वाले फंदे हमारे चार हो गए। फिर धागा आगे करके फिर तीन उल्टे बीनेंगे, एक दो तीन, फिर एक सीधा, फिर जाली, फिर एक सीधा, जो निचले उसमें बड़ा फंदा है, बड़ा रखा है, एक दो तीन, फिर एक सीधा, फिर एक जाली, फिर एक सीधा। इसी तरीके से पूरी लाइन बिनेंगे। सीधी लाइन पूरी हो गई है, उल्टी लाइन पूरी उल्टी उल्टी बिन लेंगे। उल्टी लाइन पूरी हो गई है, सीधी लाइन में फिर उसी तरीके से करेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे जो ये उल्टे हैं ये सदा उल्टे ही रहेंगे, धागा पीछे करके सीधा फंदा भी सीधा ही रहेगा। फिर यहाँ पर जो जाली है वो जाली रहेगी। अब ये फंदे सिर्फ ये वाले फंदे जो हैं हमारे बढ़ते जाएंगे। पहली लाइन में एक फंदा बिन रहे थे, दूसरी में दो, अब तीसरी में हमारे ये तीन फंदे आ जाएंगे, एक दो जी, ये जाली का हो गया, एक दो तीन फंदे हो गए। फिर हम चौथी लाइन बिनेंगे, चार आ जाएंगे, पांचवी लाइन बिनेंगे तो पांच आ जाएंगे। इसी तरीके से एक एक फंदा ये सीधा वाला बढ़ता रहेगा और जो तीन बीच के उल्टे हैं ये उल्टे ही रहेंगे। ये सीधा बिनना है, जाली, ये फंदे बढ़ रहे हैं, अब ये तीन फंदे हो गए, यहाँ पर सीधे फंदे जो हैं तीन हो गए। इसी तरीके से ऊपर को ये फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे, तीन चार पांच करके इसी तरीके से ऊपर को सीधे फंदे बढ़ेंगे और बाकी जो उल्टे फंदे हैं ये तीन के तीन ही रहेंगे। ये फंदा सीधा सीधा ही रहेगा, जाली अपनी जगह पर ही रहेगी, ये फंदे सीधे वाले हर लाइन में बढ़ते रहेंगे। इसी तरीके से हम ऊपर को इसे बीनते हुए जाएंगे, इसी तरीके से डिजाइन यही रहेगा। 12 लाइन हमने बिन ली है, 12 जालियां आ गई हैं। इस तरीके से जाली गिनते हुए गए, 12 जाली हमारी ये बन गई है, इस तरीके का बन रहा है। लगभग इसमें 200 फंदे हो चुके हैं। इस तरीके का हमारा ये बन गया है, 12 जालियां आ गई हैं, एक दो तीन, तीन फंदे शुरू से उल्टे हैं ये उल्टे बिन लिए, फिर एक सीधा। अभी तक यहाँ पर जाली आ रही थी, एक फंदा यहाँ से बढ़ रहा था, अब दो का एक कर लेंगे, दो फंदे ले लिए हैं, दो का एक कर लिया, यानी कि एक फंदा हमारा कम हो गया यहाँ से। बाकी फंदे हमें बिन लेंगे सीधे सीधे,
फिर तीन फंदे उल्टे बिनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे बिन लिए हैं, फिर एक सीधा फंदा, फिर यहाँ पर दो का एक कर लेंगे। बाकी फंदे सीधे सीधे बीन लेंगे। फिर वही डिजाइन आ गया जो शुरू से नीचे से ही तीन फंदे उल्टे थे, ये उल्टे ही रहेंगे, एक दो तीन। फिर ये सीधा ले लिया, 12 जालियां आने तक हमने फंदे बढ़ाए हैं। 12 जाली के बाद हमने दो का एक करना शुरू किया है, ये दो फंदे हैं, दो का एक कर लेंगे, एक दो तीन। ये तीन के बाद जो हमने फिर एक सीधा बिना था, फिर जाली आई थी, तो ये जाली को अब हम नहीं निकालेंगे, अब हम यहाँ पर एक एक फंदा कम करते हुए जाएंगे, जब तक हमारे ऊपर की सिलाई में 95 फंदे न रह जाएं, तब तक हम इसे बीनते रहेंगे। अब हमारा ये यहाँ से हम फंदा एक एक करके कम करते गए, अब हमारे 95 फंदे हैं इसमें, 95 फंदे, तो नीचे भी 95 फंदे थे 95, और ऊपर भी अब 95 फंदे रह गए हैं। अब उल्टी सिलाई में एक फंदा बिन लिया, दो फंदों का एक कर ली, दो फंदे हैं, दो का एक कर लिया, ये दो फंदे ले रही हूँ, ये दो फंदे ले लिए, दो का एक कर लिया, फिर दो फंदे ले लिए, दो का एक कर लिया, फिर दो फंदे ले लिए। इसी तरीके से पूरी सिलाई में हम दो फंदों का एक, दो फंदों का एक करते हुए पूरी सिलाई हम बिन लेंगे, दो का एक करके हमारी ये पूरी लाइन ख़त्म हो गई है। अब ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन को अब हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे, पूरी लाइन को इस तरीके से उल्टा उल्टा बीन लेंगे। उल्टी उल्टी लाइन पूरी हो गई है। उल्टी साइड फिर इसी तरीके से करेंगे, दो फंदे ले लिए, दो का एक कर लिया, दो फंदे ले लिए, दो का एक कर लिया, पूरी लाइन इसी तरीके से करेंगे, दो फंदे ले रही हूँ, दो का एक कर ले रही हूँ, दो फंदे लिए हैं, दो का एक कर लिया। उल्टी लाइन में दो का एक करना है, और सीधी लाइन में जो सीधी है सीधी साइड से उसको उल्टा उल्टा बिन लेना है। इसी तरीके से जब तक हमारे 7-8 फंदे नहीं रहेंगे, तब तक हमको इसी तरीके से बुनना है। अब हमारे पास सिर्फ 6 फंदे बचे हैं, उल्टी लाइन में दो का एक कर लिया, दो का एक कर लिया, दो का एक कर लिया। अब ये तीन फंदे हमारे पास बचे हैं, तीनों का हम
एक कर लेंगे। टोपी हमारी पूरी हो गई है। अब इस धागे से इसे सिल देंगे इस तरीके से। टोपी को हम इस तरीके से सिल देंगे। इसी तरीके से इसे पूरे हम यहाँ तक सिल देंगे। टोपी हमने सिल दी है, पूरी हो गई है। ऊपर से इस तरीके से डिजाइन आएगा, ये देखिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।